हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ओके, सो जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको टू पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज़ कॉमर्स। ओके, तो आज हम इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में ही जानेंगे। इंडस्ट्री को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, विच इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी इंडस्ट्री। ओके, हम पहले देख लेते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। तो इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? इंडस्ट्री रेफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विथ कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में होती है जिसमें क्या होता है, कन्वर्ट करते हैं हम रिसोर्सेज को इनटू यूजफुल गुड्स में। जो भी रिसोर्सेज हैं या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज या जो भी रिसोर्स हैं उनको एक यूजफुल गुड में कन्वर्ट करना कहलाता है इंडस्ट्री। ओके, अब दीज इंक्लूड एक्टिविटीज़। अब इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है, एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल। ब्रीजिंग जो ब्रीडिंग एक्टिविटी होती है, जैसे कि कैटल ब्रीडिंग हो गया, ठीक है, या फिर पोल्ट्री फॉर्म्स वगैरह हो गए, ठीक है, उसमें तो ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्लूड होती हैं इंडस्ट्री में। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्री को जो है डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, विच इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है? दीज इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। मतलब कि इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं। जैसे कि अगर हमको वुड चाहिए तो वुड हमको कहाँ से मिलेगी, प्लांट से मिलेगी। तो प्लांट क्या नेचुरल रिसोर्स है, उसमें से हम एक्सट्रैक्शन करके हम उस चीज़ को ला रहे हैं, वो क्या कहलाती है, प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। जो जो इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके उस रॉ मटेरियल को लाती हैं, ठीक है। जैसे वुड हो गया, जैसे कि ऑयल इंडस्ट्रीज़ हो गई, ऑयल हमको चाहिए तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, ज़मीन से मिलेगा, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करके वो उस रॉ मटेरियल को लेकर आती हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं हमको, नेचुरल रिसोर्सेज से मिलेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो रॉ मटेरियल आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री। इन रॉ मटेरियल को लाना किस कौन सी इंडस्ट्री का काम होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री का। अब इस प्राइमरी इंडस्ट्री को भी फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, विच इज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ओके, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? दीज इंडस्ट्रीज़ एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्स, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें से ही वो प्रोडक्ट को लेकर आती हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑफ जियोग्राफिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट। मतलब जो जियोग्राफिकल नेचुरल इन्वायरमेंट से ही वो प्रोडक्ट को लेकर आती हैं। प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर यूजली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेनी अदर यूजफुल गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब जो वुड है, वुड ऐसे तो डायरेक्ट वो किसी यूज़ की नहीं है ना, उसको यूटिलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी ये एक रॉ मटेरियल ला के देती है हमको प्राइमरी इंडस्ट्रीज, और फिर इनका क्या होता है, जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करके हमको रॉ मटेरियल को ला करके देती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो उसको फर्दर प्रोड्यूस करके उसको वो एक कंजम्पशन के लिए रेडी करती हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि फार्मिंग हो गया, ठीक है, फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, हंटिंग हो गया, फिशिंग ऑपरेशन, ल्यूमरिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, ठीक है। माइनिंग हो गया, हमको अगर आयरन चाहिए है, हमको ऑयल चाहिए है, मिनरल्स चाहिए है, ठीक है, या फिर वुड चाहिए है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से ही जो रॉ मटेरियल हैं उनको लेकर आती हैं। देन होता है हमारा सेकेंड, जो है हमारा जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसका जो सेकेंड पार्ट है वो है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? दीज इंडस्ट्री आर इंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है जेनेटिक। जेनेटिक में क्या करती हैं ये लोग, ब्रीडिंग प्लांट एंड एनिमल फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग होती है इसमें फॉर फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए। सीड्स एंड नर्सरी कॉम्पोनेंट्स आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसे कि सीड्स वगैरह हो गए, हमने एक प्लांट ग्रो किया, उसमें से क्या करते हैं, हम सीड्स निकाल के फिर हम मिट्टी में डाल देंगे तो हमको दूसरा प्लांट मिलेगा। ये क्या, और एक तरीके का रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इन एडिशनल एक्टिविटीज ऑफ कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, ठीक है, जैसे कि कैटल ब्रीडिंग हो गया, पोल्ट्री फार्म्स हो गया, फिश हैट्री कम अंडर जेनेटिक इंडस्ट्री। ये सारे किस में आते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री में, जैसे कि पोल्ट्री फार्म है, मुर्गी पालन है, ठीक है, तो ये किस में आ रहा है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आएगा, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग को करते हैं हम फॉर फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और
पोल्ट्री फार्म्स है, फिश हैट्री है, कम्स अंडर, ये सारी किस्में आती हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। जैसे कि अगर हमको वूल चाहिए तो उसके लिए कैटल ब्रीडिंग वगैरह होती है, ठीक है, उनको कैटल्स को पाला जाता है, वहाँ से हमको वूल मिलती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारे जो एनिमल्स वगैरह का यूज़ करके वहाँ से जो रॉ मटेरियल को लाया जाता है वो होती है जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, ठीक है। दीज आर कंसर्न विद यूजिंग मटेरियल विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज। तो जो हमारे प्राइमरी स्टेज पे जो हमको मटेरियल मिला, जैसे हमको आयरन मिला, हमको ऑयल मिला, तो ये सब क्या करती हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री उनका यूज़ करती हैं, उनको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमको प्राइमरी स्टेज से हमको जो सामान मिला उसका यूज़ करती हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। दीज इंडस्ट्रीज़ प्रोसेस सच मटेरियल टू परचेज गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। उसको क्या करती हैं, उसको प्रोसेस करती हैं इन मटेरियल को टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्री यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने माइनिंग ऑफ आयरन, अगर हमने आयरन की माइनिंग की, हमने आयरन निकाला ज़मीन में से, तो ये क्या हो गया, ये प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, अब उस आयरन में से स्टील बनाना बाय वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ आयरन्स इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो ये काम कौन करेगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री। ज़मीन से आयरन लाने का काम करेगी प्राइमरी इंडस्ट्री, लेकिन उस आयरन से स्टील बनाने का काम कौन करेगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री करेगी। ओके, सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड थस क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटी। जैसे कि हम वुड लेकर आए, वुड कहाँ से आया हमारा, प्राइमरी इंडस्ट्रीज से आया, अब उसका फर्नीचर कौन बनाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो ये क्या कहलाती है, मैन्युफैक्चरिंग। अब जो वुड से फर्नीचर बनाएगी इंडस्ट्री, उसको हम क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलेंगे। दे ब्रिंग आउट डाइवर्स फिनिश प्रोडक्ट्स दैट वी कंज्यूम, ठीक है। जो हम प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए ये क्या करती हैं, उसको प्रोसेस करती हैं। ओके, और यूज थ्रू कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और पार्टली फिनिश मटेरियल, यानी कि जो रॉ मटेरियल था हमारा, जो वुड था, उसको वो कन्वर्ट करती हैं देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में, उसको कन्वर्ट करके वो क्या करती हैं, एक फाइनल प्रोडक्ट हमको बना करके देती हैं, वो कहलाती हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारा सेकेंड पार्ट है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री का, वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, दीज इंडस्ट्रीज़ आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन करती हैं ये बिल्डिंग का, डैम का, ब्रिज का, रोड का, एज वेल एज टनल्स का, कैनल्स का, ठीक है, इन सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन करना। इसमें क्या रिक्वायर्ड होता है, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। मतलब ये क्या करेंगी, एक तरीके का कंस्ट्रक्शन करेंगी विच इज़ नॉट मूवेबल। जैसे कि कहीं पे ब्रिज बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, टनल बनाना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टर्टियरी इंडस्ट्री, ठीक है, जो हमारी थर्ड इंडस्ट्री का टाइप है वो है टर्टियरी इंडस्ट्री। ये क्या होती है, दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसका एक सपोर्ट सिस्टम होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, एक तरीके की सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, जैसे कि जो भी सर्विस एक्टिविटीज़ हैं, लाइक बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, कोई भी चीज़ का, अगर हम चाहे हम प्राइमरी इंडस्ट्री में काम करें, सेकेंडरी इंडस्ट्री में, इन सारी चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उन सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए टेरिटरी इंडस्ट्री वर्क करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए वर्क करती है टेरिटरी इंडस्ट्री, जिसमें आता है बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें। ओके, तो अभी हम एक बार चार्ट देख लेते हैं फिर से। हमने देखा बिजनेस कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, इंडस्ट्री में और कॉमर्स में। इंडस्ट्री में हमारा क्या क्या आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी में दो पार्ट हैं, विच इज़ एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी में है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के भी पार्ट्स हैं, एनालिटिकल है, सिंथेटिकल है, एंड प्रोसेसिंग और असेंबलिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड जो है हमारी वो है टेरिटरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉमर्स। कॉमर्स को भी फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, विच इज़ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड इज़ टर्म्ड एज ट्रेड। ट्रेड में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड, गुड्स को खरीदना बेचना कहलाता है ट्रेड। बट देयर
they are a lot of activities that are required to facilitate the purchase and sale of goods. अब अगर आप सेल और परचेज ऑफ गुड, मतलब अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो तो उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ लगेंगी. अगर आप गुड्स खरीदोगे बेचोगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, आपको बैंकिंग फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी, ठीक है. तो हमको बहुत सारी फैसिलिटीज़ लगती हैं. तो जो सर्विसेज होती है वो जो होती हैं सर्विसेज होती हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं. एंड इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग. कॉमर्स देयरफॉर इंक्लूड्स बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जो होता है जो ट्रेड है, एज वेल एज जो ऑक्सिलरीज जो हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एक्सेट्रा. ये जो दोनों चीज़ें ये आती हैं कि इसमें हमारे कॉमर्स में आती हैं, ठीक है. कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, के बीच में एक नेसेसरी लिंक का प्रोवाइड करने का काम करता है. जैसे कि प्रोड्यूसर जो हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, प्राइमरी इंडस्ट्री थी, सेकेंडरी इंडस्ट्री थी, वहाँ पे हमने गुड्स तो प्रोड्यूस कर लिए, अब उस गुड्स को हम सेल कैसे करेंगे. तो जो सेल करने का काम होता है वो होता है कॉमर्स का, ठीक है. कॉमर्स में भी दो पार्ट हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. जो ट्रेड वाला है वो काम करेगा खरीदने और बेचने का काम होता है ट्रेड का. और जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होती है वहाँ पे जो है हमको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो होती हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ओके. अब कॉमर्स को भी कॉमर्स को डिवाइड किया गया है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में. तो ट्रेड क्या होता है, ट्रेड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स का, एक एसेंशियल पार्ट है. इट रेफर टू सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स इंक्लूड है इसमें. इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू द कंज्यूमर और यूज़र, ठीक है. ये क्या करता है, जो गुड्स बनाया है प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री ने, जो गुड्स बनाया है उसको क्या करता है, सेल करने का काम करता है ट्रेड, ठीक है. तो अभी क्या हो रहा है, जो गुड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस होते हैं लार्ज स्केल में. इट इज़ डिफ़िकल्ट होता है प्रोड्यूसर के लिए टू दैम सेल्फ रीच आउट टू इंडिविजुअल बायर, ठीक है. अब एक जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो जाएंगे नहीं एक एक बायर के पास, ठीक है, फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट. तो बिजनेसमैन जो होते हैं वो इंगेज होते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर इन डिफरेंट मार्केट्स, ठीक है. तो जो बिजनेसमैन है वो ये काम करते हैं ट्रेड का, ठीक है. तो वो क्या करते हैं, बल्क में उनसे गुड्स खरीद के प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है. अगर ट्रेड नहीं होगा, अगर गुड्स सेल ही नहीं होंगे तो फिर हम उसको लार्ज स्केल में प्रोडक्शन भी पॉसिबल उसका नहीं होगा, ठीक है. अब जो ट्रेड है उसको भी क्लासिफाइड किया गया है टू ब्रॉड कैटेगरीज में, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है. अब जो इंटरनल ट्रेड है या जो डोमेस्टिक ट्रेड है वो क्या होता है, होम ट्रेड होता है. इसमें क्या करते हैं, विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री. अगर हम इंडिया के अंदर या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उसके जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में ही हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो हमारा होता है इंटरनल ट्रेड, ठीक है. इंटरनल ट्रेड को भी डिवाइड किया गया दो पार्ट में, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड. अगर हम बल्क में खरीद कर सेल कर रहे हैं तो वो होलसेल है, और अगर हम थोड़ी क्वांटिटी में खरीद के सेल करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रिटेल ट्रेड कहलाता है. और एक्सटर्नल ट्रेड क्या कहलाता है, या जो फॉरेन ट्रेड होता है वो क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन टू और मोर कंट्रीज, ठीक है. एक से ज़्यादा कंट्रीज में अगर हम गुड्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है एक्सटर्नल ट्रेड. अगर गुड्स जो है वो परचेज हो रहे हैं फ्रॉम अदर कंट्री, अगर हम दूसरी कंट्री से खरीद रहे हैं तो हम उसको इम्पोर्ट बोलते हैं, दूसरी कंट्री में अगर हम बेच रहे हैं तो उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं. अगर गुड्स जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए फ्रॉम अदर कंट्रीज, इट इज़ नोन एज अ इंटरपोर्ट ट्रेड, उसको हम बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड. मतलब कि अगर मैंने कहीं और से किसी और कंट्री से गुड्स मंगवाए हैं उसको किसी और कंट्री में बेचने के लिए, मैंने अमेरिका से गुड्स मंगवाए उसको किसी और कंट्री में उसको मुझे सेल करना है, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरपोर्ट ट्रेड कहलाएगा, ओके. देन आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ऑक्सिलरीज मतलब क्या होता है, एक्टिविटीज़ विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. मतलब कि जो हमारी ट्रेड को असिस्ट करती हैं, जो हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं उसको असिस्ट. जैसे हमने यहाँ पे देखा था टेरिटरी इंडस्ट्रीज थी, टेरिटरी इंडस्ट्री में था ना बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग. तो ये क्या करती थी, जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है उसमें ये हेल्प करती थी. उसके लिए बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह था तो वो टेरिटरी इंडस्ट्री में आता था. लेकिन अब जो ट्रेड का काम है, जो हम खरीद रहे हैं प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उसमें भी तो हमको बैंकिंग, फाइनेंस, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ना, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है. तो ये क्या करती है, फैसिलिटेट करती है जो ट्रेड की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फैसिलिटेट करना कहलाता है, ठीक है. दीज एक्टिविटीज़ आर जनरली रेफर टू एज अ सर्विसेज. ये क्या है, एक तरीके की सर्विसेज होती हैं. बिकॉज दीज आर इन द नेचर ऑफ फैसिलिटेटिंग द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड,
ठीक है, क्या होता है जो भी ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, जो भी ये सर्विसेज है ये प्रोवाइड करना, उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, दैट इज़ एक्टिविटीज प्लेइंग अ सपोर्टिव रोल। एक तरीके का क्या करती हैं ये, सपोर्टिव रोल को प्ले करती हैं। ऑक्सिलरीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स का, ये भी एक इंटीग्रल पार्ट है इन पर्टिकुलर एंड बिजनेस एक्टिविटी इन जनरल। दीज एक्टिविटी हेल्प इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंस, ये क्या करेगी जो भी हिंड्रेंस है, जो भी डिफिकल्टीज आती है विच अराइज इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, में जो भी हिंड्रेंस आ रहा है, यानी जो हमारा ट्रेड था, जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, परचेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जो था, जो हमारा ट्रेड था, उसमें जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो भी हिंड्रेंसेज हैं, उसको ये क्या करती है, उसको रिमूव करने का काम करती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ओके, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या करती है, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बैंकिंग क्या करती है, हमको फाइनल फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है टू द मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स को। इंश्योरेंस कवर क्या करता है, वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस रिस्क को कवर करते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है। वेयर हाउसिंग क्या करती है, टाइम यूटिलिटी बाय वे ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी देती है हमको वेयर हाउस। एडवर्टाइजिंग क्या करती है, इन्फॉर्मेशन देती है टू द कंज्यूमर एंड कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि ये गुड्स अवेलेबल है, इस प्राइस पे अवेलेबल है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दिस एक्टिविटी फैसिलिटेड, इसमें क्या होता है, मूवमेंट करना, स्टोरेज करना, फाइनेंसिंग, रिस्क कवरेज, सेल, प्रमोशन ऑफ गुड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर, ठीक है। तो ये सारी जो होती हैं, ये होती हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। इसके क्या क्या टाइप देखे हमने, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हमने ऊपर देखा कि गुड्स के मूवमेंट को ईजी करेगा, बैंकिंग फाइनेंस हो गया, हमारे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वो हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंस काम आएगा। इंश्योरेंस करने के लिए, हमारी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, रिस्क का कवर करने के लिए होती हैं ये। वेयर हाउसिंग, हम उसको अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए, टाइम यूटिलिटी, जैसे कि कोई गुड है उसको वो हम सेम टाइम पर नहीं बेच सकते हैं, अगर हमको उसको स्टोर करके रखना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वेयर हाउसिंग। एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना गुड्स के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा बिजनेस का जो सेकेंड पार्ट था कॉमर्स, उसमें हमने देखा ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में आपका था इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल में आपका कौन कौन से थे, होलसेल और रिटेल, एक्सटर्नल में आपका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आपका ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस। ओके, सो आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।